हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। तो आज हम अपना पीरियड आगे बढ़ाते हुए, लेक्चर आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट में करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, जिसमें मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो सम्मेलन हुए थे वो बताए हैं, और आज हम देखते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि आप अवार्ड को लेकर के क्वेश्चन देखें कि अवार्ड बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो रिसेंटली जो अवार्ड दिए गए हैं उनको हम शुरू करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे फिल्म फेयर अवार्ड 2020। आप देखें फिल्म फेयर अवार्ड या फिर कोई अभी अवार्ड होता है तो उसमें जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड हैं उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म या बेस्ट डायरेक्टर ये पूछे जाते हैं। तो यहां से फिल्म फेयर अवार्ड की जो आप करेंगे तो यहां देखें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको गया है फिल्म फेयर का, तो आप याद रखें गली बॉय। गली बॉय बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड क्या है, गली बॉय। अब इसमें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड देखें आप, तो बेस्ट डायरेक्टर किसको गया है, जोया अख्तर, याद करते रहेंगे। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस, ये आप देखें यहां पर, तो ये अवार्ड गया है आलिया भट्ट। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये गया है रणवीर सिंह। ये फिल्म फेयर को लेकर के आप चार बातें जरूर याद रखें, बेस्ट फिल्म गली बॉय, बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को गया है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं और वो अवार्ड का नाम आप लिखें ऑस्कर अवार्ड। ध्यान रखें ऑस्कर का मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री के वो अवार्ड जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दिए जाते हैं, या ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के सबसे बड़े अवार्ड जिन्हें हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। और बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑस्कर का बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है, तो आप यहां पर लिख देंगे बेस्ट फिल्म अवार्ड है पैरासाइट, पैरासाइट। इसके बाद आप देखें यहां पर कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको गया है, ये तो जॉकविन फेनिक्स, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू रैनी जेलवेगर, सॉरी रैनी जेलवेगर। ये बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट एक्टर हैं रैनी, आप शॉर्ट फॉर्म में रैनी भी याद रख सकते हैं, उसी से काम चल जाएगा। रैनी यहां पर है बेस्ट एक्ट्रेस। अब इसके बाद है बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो ये ऑस्कर का बेस्ट एक्टर अवार्ड गया है जॉकविन फेनिक्स, जॉकविन फेनिक्स। इसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर बोंग जून हॉक, बेस्ट डायरेक्टर, तो आप इसको लिखेंगे बोंग जून हॉक, बोंग जून हॉक। देखिए याद करने के लिए पैरासाइट बहुत ही सिंपल सा नाम है, बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑस्कर का है पैरासाइट, सबसे ज्यादा जो फिल्म पूछी जाती है ऑस्कर में, तो अच्छे से याद रख लेंगे पैरासाइट। एक्टर है रैनी, पूरा नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। बेस्ट एक्टर है जॉकविन फेनिक्स और डायरेक्टर है बोंग जून हॉक, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखें एक पुरस्कार है जो आपने शायद बहुत ही कम सुना होगा और अच्छा क्वेश्चन है उसके लिए, अस्ट यंग अवार्ड, यंग अवार्ड, और ये किसको गया है, किरण मजूमदार,
किरण मजूमदार, जल्दी से नोट करेंगे इसको, किरण मजूमदार, इनको गया है अस्ट एंड यंग पुरस्कार अवार्ड 2020। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप, विश्व हॉकी संघ 2019, नेक्स्ट लिखेंगे विश्व हॉकी संघ 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी पुरस्कार, बेस्ट हॉकी खिलाड़ी पुरस्कार। तो यहां देखें ये अवार्ड गया है ईवा डी गोडे, बेस्ट हॉकी खिलाड़ी पुरस्कार है ईवा डी गोडे। अब देखें ईवा डी गोडे ये कहाँ के हैं, ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं, नीदरलैंड कंट्री भी यहाँ याद रख सकते हैं कि बेस्ट हॉकी प्लेयर किसको, जो इनको अवार्ड मिला है ये कौन से देश के हैं, तो आप यहाँ पर नीदरलैंड याद रखें। इसके बाद आप देखें विश्व इस्पात संघ, या फिर इससे पहले आप एक अवार्ड और लिख लें यहां पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2019, साहित्य लिटरेचर अकेडमी अनुवाद ट्रांसलेट पुरस्कार 2019, साहित्य अकेडमी का अनुवाद पुरस्कार, ये डिफरेंस रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है सिंपल साहित्य अकेडमी पुरस्कार, लेकिन यह है साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2019। तो यह अवार्ड गया है आलोक गुप्ता, आलोक गुप्ता। नेक्स्ट देखें लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लिया होगा ये यहां पर, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दिया जाता है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, और ये अवार्ड गया है, तो आप इसमें दो तीन नाम लिखेंगे, जैसे इस अवार्ड का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो इसमें हम सबसे पहले लिखें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड गया है लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, जल्दी से नोट करें लुइस हैमिल्टन एवं, देखिए ये तो पुरुष खिलाड़ी है, लुइस हैमिल्टन एवं लियोनेल मेसी, ये भी या फिर ऐसे ना लिख करके एवं करके लिख सकते हैं, एवं लियोनेल मेसी, मेसी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है अपने आप में, या बहुत ज्यादा फेमस नेम है अपने आप में, इन दोनों खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, किसका, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का। इसके बाद नेक्स्ट देखें यहां पर, इसी अवार्ड के अंतर्गत स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड, ये तो था स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ऐसा ही एक दूसरा अवार्ड इसी के अंतर्गत है, लॉरेंस का ही है, जिसे आप बोल सकते हैं स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड, स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड। और देखें ये किसको गया है, ये गया है सचिन तेंदुलकर, भारतीय खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है, किसका, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के द्वारा। इसके बाद इसी में देखें बेस्ट महिला अवार्ड, इसी का बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड, तो इसमें आप नाम लिखेंगे यहां पर सिमोन बाइल्स, क्या नाम है, ये अवार्ड गया है सिमोन बाइल्स, नोट करें इसको, बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड ऑफ लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स किसको गया है, सिमोन बाइल्स। अब देखिए सिमोन बाइल्स कहाँ की रहने वाली हैं, ये अमेरिका की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे यूएसए की हैं सिमोन बाइल्स, जो कि एक जिमनास्ट खिलाड़ी हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं ये कैसे प्लेयर हैं, ये जिमनास्ट हैं।
और जिमनास्ट के नाम से आपको भारतीय खिलाड़ी का नाम याद आ जाता होगा। क्या नाम है उन भारतीय खिलाड़ी का जो कि बड़ी फेमस जिमनास्ट है भारत की? दीपा कर्माकर। नाम सुना होगा खूब, जो कि ओलंपिक में भी अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं। तो ये थे आपके लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट। अब दो क्वेश्चन यहां से, दो पर्सनैलिटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण चर्चाओं में रही और उनका निधन हुआ। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्सनैलिटी विशेष का निधन हुआ है, ये कौन से फील्ड से थे, ये कौन से क्षेत्र से थे? तो एक नाम है राजेंद्र पचौरी, राजेंद्र पचौरी। देखिए हाल ही में इनका निधन हुआ है। क्या हुआ है इनका निधन हुआ है? एक तो आप ये बात याद रखेंगे, दूसरा आप याद रखें कि राजेंद्र पचौरी जिनका निधन हुआ है ये किस क्षेत्र से थे। तो आप इनका क्षेत्र याद रखेंगे, प्रसिद्ध पर्यावरणविद। ये बहुत ही फेमस पर्यावरणविद रहे हैं राजेंद्र पचौरी। ऐसा ही एक दूसरा नाम है होसनी मुबारक, होसनी मुबारक। अब देखें ये राजेंद्र पचौरी कहाँ के हैं? ये भारत के हैं और क्या है? पर्यावरणविद। होसनी मुबारक जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका भी क्या हुआ है? निधन हुआ है। लेकिन ये पर्सनैलिटी विशेष, ये व्यक्ति विशेष किस क्षेत्र से थे, कहाँ के थे? तो याद रखें ये मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो दोनों बातें यहां पर आप याद रखें। इसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं। तो हम देखते हैं हर साल जो चीन है वो अपने ईयर को, अपने वर्ष को किसी न किसी रूप में मनाता है। कभी वो सांप के वर्ष के रूप में, तो कभी वो चूहे के वर्ष के रूप में, कभी हाथी के वर्ष के रूप में। अर्थात उनकी ऐसी अवधारणा है या वो ऐसा विश्वास इस चीज में रखते हैं कि वो किसी एनिमल, किसी पशु के नाम पर, किसी जानवर के नाम पर अपने साल को, अपने वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार 2020 को जो चाइना है वो किस रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, किस रूप में मना रहा है, तो उसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे यहां पर चीन 2020, चीन 2020 को किस वर्ष के रूप में, किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो आप यहां याद रखें धात्विक चूहा वर्ष, या कह सकते हैं ईयर ऑफ मेटल रैट। धात्विक चूहा वर्ष के रूप में इस बार चीन 2020 को सेलिब्रेट कर रहा है। और आयोग ने क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि हर साल वो किसी न किसी जानवर के रूप में अपने साल को मनाता है, तो इस बार उसने मेटल रैट के रूप में अपने साल को मनाने का फैसला किया है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वैश्विक या ग्लोबल कह सकते हैं आलू सम्मेलन, देखिए आलू के भी सम्मेलन होते हैं, ठीक है। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन, वैश्विक का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ग्लोबल स्तर पर हमने आलू सम्मेलन को मनाया है। और इस बार आलू सम्मेलन कहां पर मनाया गया है? गांधीनगर, गांधीनगर कहां पर है? गुजरात में। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है और भारत में इसको सेलिब्रेट किया गया है या भारत में इसको सबमिट किया गया है। और ये कहां पर? गांधीनगर गुजरात, जहां मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो तो बताया होगा कि जो पक्षी है उन पक्षियों पर अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है वो गांधीनगर गुजरात में की गई, जहां मैंने आपको बता रखा है कि इस बार सबसे ज्यादा जो पक्षियों में वृद्धि हुई है वो किसकी हुई है? मोर की। और सबसे कम, तो वहां पर आप याद रखेंगे, वो सारा लेक्चर आपको याद आ गया होगा, स्थिर कौन सा रहा है, सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी हुई है। इसके बाद आप नेक्स्ट चलें। तो जहां मैंने अभी बात की थी कि आलू आलू सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुजरात गांधीनगर। वहीं आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन नोट करके आप उसको लिख सकते हैं, याद रखें अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ये आप नोट में लिख सकते हैं,
जो अंतर्राष्ट्रीय आलू इंटरनेशनल पोटैटो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहां पर है? ये लीमा, लीमा का मतलब है पेरू, पेरू की राजधानी लीमा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के रूप में स्थापित है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय जैविक बायोटिक फूड फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खाद महोत्सव 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, आपको पता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर अर्थात राम के जन्मभूमि के रूप में फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और हाल ही में रिसेंटली अभी 5 अगस्त को उसका आपने देखा कि उद्घाटन भी हो चुका है, वहां पर उनकी मूर्ति स्थापना भी हो चुकी है। तो यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जो एक ट्रस्ट की स्थापना हुई है उस ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, ये किससे रिलेटेड है? अयोध्या मैटर, अयोध्या में राम मंदिर, याद रखेंगे अयोध्या में राम मंदिर के लिए जिस ट्रस्ट की स्थापना हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, ये आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, भारत का ही नहीं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो जुडिशियल सम्मेलन हुआ है या न्यायिक सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो नेक्स्ट आप लिखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रखेंगे उसको याद। 2020 ये कहां पर संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ नई दिल्ली, अर्थात दुनिया भर के जजों ने आकर के इस सम्मेलन में भाग लिया है क्योंकि ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि भारत का वह पड़ोसी राष्ट्र, नेक्स्ट लिखेंगे भारत का वह पड़ोसी राष्ट्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीओ के एग्जाम के लिए स्पेशली, वह पड़ोसी राष्ट्र जिसे जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट, अपनी ग्रे को अंडरलाइन कर लेंगे यहां पर, ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अब देखें ऐसा पड़ोसी राष्ट्र जिसे ग्रे लिस्ट में शामिल करने की जरूरत पड़ी, ग्रे लिस्ट का मतलब है कि ऐसा कोई भी कंट्री जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को पनाह देता है, ऐसी कंट्रीज को हम ग्रे लिस्ट में या फाइनेंशियल टास्क फोर्स उसको ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा भारत का पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान। इसका आंसर आप लिखेंगे पाकिस्तान, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अच्छे से जल्दी से नोट करें इसको। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 4 ओपन होते हैं और 4 ओपन किससे रिलेटेड? वो टेनिस के 4 ओपन जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, और क्योंकि अभी शुरुआत में एक ही ओपन संपन्न हुआ था और तभी हमारा COVID-19 आ गया, उसके बाद बाकी जो टेनिस ओपन थे वो पोस्टपोन कर दिए गए या उनका आयोजन नहीं हो सका समय से, तो जो हो चुका है कंप्लीट उसको हमें पता होना चाहिए कि वो हमें किसने जीता है। तो आप यहाँ पर याद रखें ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी आयोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। अब आप देखें इसमें आपको दो तरह से याद रखना है, एक पुरुष और एक महिला,
महिला एकल और पुरुष एकल दोनों अलग अलग याद रखने। तो यदि पुरुष एकल विजेता की बात करें तो ये अवार्ड गया है नोवाक जोकोविच। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। और इन्होंने किसको हराया है, तो इनके हम इन्होंने जिसको हराया उनका नाम है डोमिनिक थिम। डोमिनिक थिम को हराकर। तो नोवाक ने बाजी मारी है। और देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक 8 बार जीत चुके हैं। भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नोवाक अब तक कितनी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत चुके हैं, तो आप यहां पर 8 बार भी लिख सकते हैं। और इन्होंने किस को हराया, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जीतने वाले का नाम ही याद रखें, आपको वहां हारने वाले का नाम भी याद रखना है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचना हारना भी अपने आप में जीतने से कम नहीं होता है। तो इन्होंने किसको डिफीट किया है, किसको हराया है, थीम थीम मीन्स थामा। किसको किसने, नोवाक ने। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नोवाक ने थामा, थामा मीन्स थीम को रोक दिया। और कहां पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब यदि हम महिला एकल की बात करें तो महिला एकल खिताब जो जीता है ये जीता है सोफिया केनिन। सोफिया केनिन। अब ये सोफिया केनिन ने किसको हराया है, ये हराया है इन्होंने मुगुरुजा। मुगुरुजा याद रखें, सोफिया केनिन इन्होंने हराया किसको, मुगुरुजा को हराया। और सोफिया केनिन जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता हैं, और इन्होंने स्पेन की, मुगुरुजा कहाँ की हैं, स्पेन की खिलाड़ी हैं, इन्हें हरा करके जीता है। तो आप मुगुरुजा को हराकर यहाँ लिख सकते हैं। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखें, पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा करने वाले खिलाड़ी। पेशेवर टेनिस अर्थात वो पेशेवर के रूप में टेनिस को खेलती हैं, महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में उससे संन्यास की घोषणा कर दी है। तो हम नेक्स्ट देखें, पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा, पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा। और देखिए रूस की खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा कहाँ की खिलाड़ी हैं, ये रूस की खिलाड़ी हैं, इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। क्या नाम है इनका, तो इनका आप नाम नोट करेंगे, इनका नाम है नसीम शाह। क्या नाम है, नसीम शाह। और देखिए नसीम शाह कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो आप ये भी याद रखें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में या सबसे युवा भी कह सकते हैं, वो खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक लगाई है उनका नाम है नसीम शाह। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, नसीम शाह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, महिलाओं की विश्व शतरंज चैंपियनशिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महिलाओं की विश्व शतरंज चैंपियनशिप। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसकी, महिलाओं की, यहां महिला लिख सकते हैं आप पहले, महिलाओं की विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये इस बार किसने जीती है 2020 में, जुवेन जुन। अब देखिए ऐसे नाम तो आप समझ जाते हैं कहाँ के हैं, चीन के हैं। ये चीन की है महिला खिलाड़ी जिन्होंने महिलाओं की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, केयंस कप, ये शतरंज में दिया जाता है, एक कप है केयंस कप। अब ये कौन से खेल का है, तो आप शतरंज लिख सकते हैं, यहां पर शतरंज का है। और ये जीता है
ये खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी शतरंज खिलाड़ी, बहुत फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी। इन्होंने जीता है केएनएस का शतरंज खिताब। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो अब हम बात करते हैं, एक दौड़ है कंबाला दौड़, ये दौड़ कहां पर हुई है? कंबाला। कंबाला दौड़, अब देखिए कंबाला दौड़ ये कहां पर हुई है? कर्नाटक में हुई है। पहली बात आप ये याद रखेंगे, कंबाला दौड़ किस राज्य में कराई जाती है? तो कर्नाटक में। अब इस कंबाला दौड़ में कौन सा खिलाड़ी है जो नंबर वन रहा या विनर रहा? तो उस कंबाला खिलाड़ी को जीतने वाले हैं निशांत सेट्टी। जीतने वाले कौन है? निशांत शेट्टी। अब देखें कंबाला दौड़ में इन्होंने कितना कमाल किया है, 9.51 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय की है, 100 मीटर की दूरी तय की 9.51 सेकेंड, 10 अर्थात 10 सेकेंड भी पूरे नहीं हुए और इन्होंने देखो सॉरी 9.51 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर ली है निशान सेट्टी। कंबाला दौड़, कंबाला दौड़ कहाँ की है? ये कर्नाटक में कराई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि कोरोना वायरस, कहीं आप इसका नाम कोरोना वायरस सुनते हैं तो कहीं इसका नाम आप कोविड-19 सुनते हैं। तो कई बार क्वेश्चन बादशाह क्वेश्चन बनता है कि जो कोरोना वायरस है इस घातक बीमारी को कोविड-19 का नाम जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, जिस संगठन के द्वारा दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है WHO। तो कोविड-19 का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो आप यहां दिखेंगे कोविड-19 नामकरण ये किसके द्वारा हुआ है? WHO। WHO ने कोरोना वायरस का नाम किया दिया है कोविड-19। अब कोविड-19 तो आप समझते हैं कि कोरोना वायरस डिसीज, कोविड कोरोना वायरस डिसीज और 19 का मतलब है 2019, तो ये याद रखें। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। नेक्स्ट आप लिखें वैश्विक ग्लोबल लैंगिक जेंडर अंतराल डिफरेंस रिपोर्ट 2020, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2020। इसमें पहला स्थान, प्रथम स्थान है आइसलैंड का, प्रथम स्थान आप यहां लिखें आइसलैंड, जो दुनिया का सबसे शांत देश है। आइस का मतलब ठंडा, ठंडा मतलब शांत। इसमें लैंगिक अंतराल में पहला स्थान है, जबकि भारत का स्थान, तो भारत का स्थान आप जरूर याद रखें और भारत का स्थान यहां पर है 112। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान 112 और पहला स्थान किसका है यहाँ पर? आइसलैंड। और ये बात आपको एक अच्छे से याद रखनी है कि विश्व शांति सूचकांक में जो पहला स्थान रहता है वो आइसलैंड का ही आ रहा है कई सालों से, तो आइस का मतलब ठंडा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप इस रूप में भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एक अभियान चलाया गया जिसे आप वंदे भारत अभियान या दूसरा बोल सकते हैं समुद्र सेतु अभियान, दो अभियान चलाए गए थे और ये अभियान किससे रिलेटेड थे? तो आप यहां याद रखेंगे, वैसे तो वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन भी है, T18 का नाम वंदे भारत किया गया, ऐसा ही एक अभियान चला वंदे भारत, एक अभियान चला समुद्र सेतु अभियान। ये दो अभियानों के नाम है, एक है वंदे भारत और एक है समुद्र सेतु अभियान। तो यहां याद रखेंगे विदेशों में फंसे, जो भारत के लोग विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें भारत लाने के लिए दो अभियान चलाए गए, एक का नाम है वंदे भारत, एक का नाम है समुद्र सेतु अभियान। तो जहाज के रास्ते से जिसे हम लेकर के आए हैं जिस अभियान के माध्यम से, उसे हम समुद्र सेतु अभियान बोलते हैं, और हवाई जहाज के माध्यम से जिसको हम लेकर के आते हैं तो उसे हमने वंदे भारत नाम दिया गया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं विदेशों में फंसे
भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया अभियान। और देखें, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि ये जो भारत के लोग विदेशों में फंसे हैं, उन्हें भारत जब लाया गया है तो वो समय क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वो हालात क्या हैं, तो वो हालात हैं कोविड-19 के। तो कोविड-19 जैसी महामारी के कारण जो लोग विदेशों में फंसे हुए थे, उन्हें भारत लाने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, उनके लिए दो अभियान उन्होंने शुरू किए, एक वंदे भारत के नाम से और दूसरा समुद्र सेतु अभियान के नाम से। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के सेंस में पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि वंदे भारत अभियान किस के लिए चलाया गया, तो भारत से विदेशों में ले जाने के लिए या विदेशों से भारत में लाने के लिए। तो याद रखें, विदेशों से भारत में लाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि कोरोना संघर्ष के दौरान, जो कोरोना से हम जिस टाइम पर जंग लड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर भारत को वेंटिलेटर, जैसा कि आप जानते हैं भारत में वेंटिलेटर की बहुत बड़ी समस्या है, तो वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का जो आश्वासन दिया है या मदद करने के लिए तैयार हुआ है, वो देश कौन सा है, तो आप याद रखेंगे अमेरिका। तो भारत को वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी या कह सकते हैं मदद के लिए तैयार या हाथ बढ़ाया है अमेरिका। तो लिखेंगे इसमें कोरोना वायरस के बचाव हेतु, कोरोना वायरस के बचाव हेतु वेंटिलेटर उपलब्ध कराने, वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की घोषणा अमेरिका द्वारा की गई है। किसको? भारत को। तो भारत को आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें, आपको वेंटिलेटर हम प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा कहा है अमेरिका। अमेरिका का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, एक दवाई बड़ी चर्चाओं में थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सीक्विनोन, ये याद रखें इस दवाई का, हाइड्रोक्सीक्विनोन। अब ये दवा क्या है, देखें इस दवा का उपयोग मलेरिया के उपचार के हेतु किया जाता है। मलेरिया की दवा जिसे भारत से अमेरिका ने मांगा, जिसे भारत से अमेरिका ने मांगा और भारत ने ये दवाई अमेरिका को उपलब्ध कराने की डिक्लेरेशन दे दी, या अर्थात सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के अलावा अन्य देशों के भी भारत इस दवा को उपलब्ध करा रहा है। तो दो तरीके से क्वेश्चन है, वो कौन सी दवा है जिसे अमेरिका ने भारत से निर्यात करने के लिए कहा अपने देश में, तो हाइड्रोक्सीक्विनोन। किस रोग के उपचार के लिए काम आती थी वो? मलेरिया के। और उनको ऐसा लगता है, या हमारे डॉक्टर्स टीम को ऐसा लगता है कि ये दवा हमारी कोरोना वायरस में भी काम कर सकती है अच्छी, तो इसकी डिमांड विदेशों से बहुत आई। अमेरिका ट्रंप ने भारत से बात की और ये गोलियां मांगी, और भारत ने लगभग पाँच करोड़ गोलियां ये अमेरिका की दवा प्रोवाइड कराई, कहां? विभिन्न देशों को। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप, कि भारत के वे व्यक्ति जिन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया, भारत के वे व्यक्ति जिन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया और जिनका नाम है विजय माल्या, तो विजय माल्या ने अपना प्रत्यार्पण, अपना एक्स्ट्राडिशन करने से रोकने के लिए जो याचिका डाली थी कोर्ट में, उसे खारिज कर दिया गया है। कौन सी कोर्ट के द्वारा? तो लंदन हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लिख सकते हैं, और आप उसे लिखें विजय माल्या की याचिका। आप अच्छे से जानते हैं किंगफिशर के मालिक, जो भारत से 9,000 करोड़ रुपया लेकर के फरार हो चुके हैं, विजय माल्या की प्रत्यार्पण के विरुद्ध याचिका खारिज की गई किस कोर्ट के द्वारा, बताएं? लंदन हाई कोर्ट। लंदन
हाई कोर्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट ने विजय माल्या की इस याचिका को खारिज किया है, क्योंकि प्रत्यार्पण की बात लंदन कर रहा था, भारत को प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा विजय माल्या को, लेकिन विजय माल्या ने इस प्रत्यार्पण को रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि ऐसे कौन से जज हैं, ऐसे कौन से रिटायर चीफ जज हैं जिन्हें हमारी राज्यसभा में, जिसे राज्यसभा में एज ए मेंबर मनोनीत कर लिया गया है। तो याद रखेंगे कि राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इनका नाम है रंजन गोगोई। ये रंजन गोगोई वही व्यक्ति हैं, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनकी अध्यक्षता में जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, अयोध्या मंदिर का मामला सुलझाया गया था। ठीक है, तो इन रंजन गोगोई को आफ्टर रिटायरमेंट राज्यसभा में एज ए एमपी मनोनीत कर लिया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या दूसरी चीज याद रखेंगे, राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सबसे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इससे पहले न्यायाधीश तो यहाँ पर आ चुके हैं राज्यसभा में, लेकिन पूर्व मुख्य मतलब मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के रहे हों, वो केवल कौन आए हैं, रंजन गोगोई। ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, तो खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने प्रदान किया है। दूसरा अच्छा क्वेश्चन आप देखें, खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, किसने प्रदान किया है, मिजोरम, उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम राज्य, ये आप याद रखेंगे। खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला स्टेट कौन सा है, तो आप उसको आप मिजोरम याद रख सकते हैं। एक शब्द, एक एक शब्द बड़ा चर्चाओं में रहा था, जिसे आप कह सकते हैं अम्फान, नाम सुना होगा, अम्फान सुनते ही तूफान आने लगता है दिमाग में, है ना। अम्फान क्या है, एक चक्रवाती तूफान है। तो पहला क्वेश्चन आप यही याद रखेंगे कि अम्फान क्या है, एक चक्रवाती तूफान है। और दूसरा याद रखें कि अम्फान तूफान जो कि पिछले 2010 में जिसने तबाही मचाई आया, ये किस डेट को आया और कौन कौन से राज्य इसने प्रभावित किए, तो इसकी डेट याद रखें 21 मई 2020। देखें आयोग डेट भी पूछने लगा है तूफानों की, पिछला आप कोई आयोग का पेपर उठा के देखेंगे रिसेंटली जो हुआ था एपीओ वाला, उसमें एक तरफ तूफान और एक तरफ डेट्स दी गई थी, तो डेट मैच करने के लिए तो चक्रवात अम्फान आया था 21 मई 2020 को। और किन किन राज्यों को इसने प्रभावित किया, तो आप यहाँ रखें पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और इसे सुपर साइक्लोन नाम दिया गया। इसकी रफ्तार कितनी थी, 221 किलोमीटर प्रति घंटा, 221 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी, इसे नाम दिया गया सुपर साइक्लोन। तो ऐसा साइक्लोन, ऐसा चक्रवात जिसकी रफ्तार 221 है ना, कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, अम्फान एक चक्रवाती तूफान है, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन वहां पर होगा या दूसरा कथन वहां पर होगा कि अम्फान तूफान 21 मई 2020 को आया था, ये भी सही है, ये पूर्व या पश्चिम तट पर आया था। तो आपको देखना है कि पूर्वी तट पर आया पश्चिमी तट पर आया, तो आप जानते हैं पूर्वी तट पर आया क्योंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात हो रही है। और उसके बाद इसकी स्पीड क्या है, 221 किलोमीटर पर गावर या पर घंटा, और जिसे सुपर साइक्लोन कहा गया। तो ये चारों पांचों बातें आप अम्फान से रिलेटेड यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो आज के लिए आपका करंट अफेयर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिन्हें आप बार बार देखें और जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और रिवाइज करें मोर एंड मोर टाइम देख करके, स्क्रीनशॉट भी ले लें, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि जब आप उसे देखते रहेंगे और कॉपी में नोट होगा तो आपको बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा।
और ये बीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इनको थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि बीओ के एग्जाम में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ सके। और आयोग का ये पैटर्न रहता है, जनरली ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अब सिर्फ बीओ के एग्जाम के लिए, स्पेशली बीओ के एग्जाम के लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो आप इन्हें कॉपी में भी नोट कर लें, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने करंट नहीं कराया, काश क्लास चलती हुई होती मैम करंट करा देती, तो मैंने आपको ये वीडियो बना करके आपके तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आप इसे नोट कर लें और जब कोचिंग खुल जाएगा तो फिर हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने लिखे थे, याद किए थे, और आपके एग्जाम में संभवतः ये काम आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।